सुशांत सिंह की मौत के बाद अब ये मामला जांच की जगह काफी उलझता हुआ जा रहा है और ये राजनीति में नया मोड़ ले रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की मांग की है। और हाँ, देवेंद्र जी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और सीधा महाराष्ट्र सरकार पर ही निशाना साधा है किसकी सीबीआई से जांच की जाए। देवेंद्र फडणवीस जी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इनके केस में जन आक्रोश बढ़ रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों को देखते हुए लगातार सीबीआई को ये केस दी जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। जैसे हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है कि इसकी जांच ठीक से हो रही है या नहीं, इस जांच में किसी को बचाने का प्रयास चल रहा है क्या। इस प्रकार की बातें सामने आने के कारण लगातार सीबीआई को देने की मांग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार सीबीआई को ये केस देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मैंने ये मांग की है कि अगर राज्य सरकार सीबीआई को नहीं देना चाहती तो कम से कम ईडी को तो कोई रोक नहीं सकता इसमें ईसीआईआर रजिस्टर करने को, क्योंकि अभी अभी इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी मसला सामने आया हुआ है और कई अकाउंट सामने आए हैं, उसमें कहां के अकाउंट से पैसे आए, कौन से अकाउंट में पैसे गए, किस प्रकार से उनके पैसे साइफन हुए, ऐसी कई चीजें सामने आई है। तो ये सारी चीजें ईडी के प्रव्यू में आती है और इसलिए इसका ये जो सारा एंगल है इसको एक ईसीआईआर रजिस्टर करके ईडी ने प्रोब करना चाहिए, ऐसी मांग मैंने की।